हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह, फिर से आपके सामने लेके आ चुका हूं एक नई वीडियो। तो आज है अपना 24 मई 2023 और मॉर्निंग का टाइम है। आज वेनसडे का दिन है, देख सकते हैं मेरा वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 7:45 हो गए हैं। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था क्योंकि रात क्या था, आंधी तूफान आए थे, तो स्टार्टिंग में क्या था, लाइट चली गई थी 1 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद में क्या था, मैंने जो अपना कूलर लगा रखा था वो उसमें लगा रखा था लाइट वाले में, तो वो बंद हो गया। फिर मैंने वो उठ के चलाया, फिर उसके बाद आंधी आ गई, गेट वगैरह थोड़ा सा वो करे, तो रात भर मतलब मैं सो नहीं पाया, तो इसलिए 7:10 पे उठा था। 7:10 के बाद फिर इधर आया और इधर आने के बाद फिर अपना जो है वर्कआउट रनिंग जो है वो कंप्लीट करी। और अभी अभी आराम कर रहा हूँ, गेट पे भी जाके झाड़ू वगैरह मारनी है क्योंकि वहाँ पे भी क्या हुआ है कि अपना जो है गंदा हो गया है क्योंकि आंधी तूफान चली है। कल ही मैंने साफ़ किया था, तो झाड़ू वाड़ू देखूँगा, हल्का सा पानी भी मार दूँगा अगर लगेगा तो। तो बाकी की दोस्तों ये है, अभी फिर भी मैं मतलब लेट हो गया था, फिर भी मैं आ गया। मतलब कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम कर लूँगा, बट एक्सरसाइज और रनिंग जितनी मैं करता हूँ उतनी ही डेली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अभी मैं जाऊँगा सफाई वगैरह करके, फिर अपन निकलेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑफिस की तरफ। तो जैसा भी रहेगा वो आप मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार पार्क का ओवर भी दे देता हूँ, फिर आपको देख सकते हैं। बच्चों को ना छुट्टी हो गई है, तो आजकल क्या आपको ज़्यादा वो दिख जाएंगे बच्चे वगैरह, इधर कुछ नहीं है, एक दो लोग घूम रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इधर दोनों बच्चे हैं और उधर भी अपना जो है बच्चे वगैरह आपको दिख जाएंगे क्योंकि बच्चों की क्या छुट्टी हो गई है। तो अभी 10 दिन इधर होते हैं, 20 तारीख से हो जाती है और अपना पूरा महीना उधर की तरफ है। तो अभी ये 1.25 महीने बच्चों के लिए हनीमून पीरियड रहेगा। जैसे प्राइवेट नौकरी में आप ज्वाइन करते हो या जब रिजाइन देते हो ना, तो हनीमून पीरियड होता है, करो ना करो आपको कोई इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें रहेंगी दोस्तों, बाकी की आप देख ही सकते हैं। हवा चल रही है, मौसम थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है और बाकी की तो आपको मैं ओवर भी तो मैंने दिखाई दिया है। सुबह जब मैं आया था तब धूप नहीं थी, तो ऐसे लग रहा था पूरा बारिश का सा मौसम था, बट अभी मैं आया तो मतलब उसके बाद फिर धूप निकल आई, तो मतलब ठीक ठाक मौसम है, हवा चलती रहे इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है और वैसे क्या होता है दिन में ज़्यादातर अपना जो है गर्म हवा चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा सा मतलब फेस पे जो पड़ती है तो वो मतलब फिर थोड़ा अजीब सा हो जाता है। और गर्मी कुछ पिछले 2 दिन जितनी थी ही ज़्यादा, मतलब रिकॉर्ड था मंडे का, तो जो मंडे की जो बारिश थी। और बाकी की पानी यहाँ पे चल रहा है, छोटी वाली पाइप लगा रखी है और बड़ी वाली पता नहीं बंद कर रखी है उधर से, तो मैं अब इन्वॉल्व हो नहीं रहा हूँ, जो करेगा वो देखेगा, वो वाला हिसाब किताब है। तो मैं अपना चल रहा हूँ अपना जो, किसी को चलाना होगा तो ठीक है, नहीं चलाना होगा तो उनकी मर्ज़ी है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, इन्वॉल्व होना बेकार है। अपना क्या, अपने तो यहाँ पे रेंटेड हैं, जो ओनर हैं यहाँ के खुद के वही ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना रखेंगे तो इन पौधों में लगाना स्टार्ट कर देंगे, अपने पौधों में मतलब, ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है जो सारे पौधे हैं उसमें अपना जो है स्टार्ट करें। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ जैसा भी रहे। आज अपना मौसम कुछ इस तरीके से हो गया है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, 9:30 हो गए हैं, 2-3 मिनट ऊपर ही हो गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मौसम कुछ इस तरीके से अपना चेंज हो गया है, 70% आज बारिश दिखा रहा है, देखते हैं कितना परसेंट होती है। और मैं अभी फॉर्मल में ही जा रहा हूँ, स्कूटी मैंने सुबह साफ कर दी थी पानी मार के, तो अभी ठीक ठाक हो गई है, बट कितनी गंदी होगी वो एक बार मैं आपको अगर गंदी होती है तो दिखाता हूँ। ये फॉर्मल में जा रहा हूँ और ये अपने कपड़े हैं कुछ इस तरीके से, नीचे फॉर्मल ही रहेगा, बाकी की थर्सडे फ्राइडे देखेंगे अपना। 2 बजे का टाइम हो रखा है और मैं अभी अपना यहाँ पार्किंग में हूँ और ये देख सकते हैं 2:45 का हो रहा है। लंच आज जल्दी हो गया था एक्चुअली, हमारे फ्लोर पे एक मतलब कलीग था, उसकी एक्चुअली क्या है कि मदर एक्सपायर हो गई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो कुछ लोग वहाँ पे गए हुए हैं, मैं नहीं जा पाया हूँ क्योंकि हमारी टीम में एक्चुअली मैडम नहीं है, और मैडम नहीं है तो फिर थोड़ा सा इश्यू है, और फिर वो दूसरी टीम गई है, तो इसमें मेरा दोस्त था वो भी गया है, बट अब काम भी है तो मैं इसलिए नहीं जा पाया। तो बाकी की अभी जो मौसम हो रखा है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है, देख सकते हैं आप हवा चल रही है और मैं इधर की तरफ आ गया था, और आप देख सकते हैं अपना जो आज धूप नहीं है, सुबह जब आया था तब थोड़ी सी धूप थी तो गर्मी थी, बट अभी गर्मी मतलब ना के बराबर है, मतलब आप अगर बाहर भी घूम रहे हो तो कोई पसीना वगैरह आपको आने के चांसेस नहीं है। और ये आपका गाड़ी वगैरह भी काफ़ी पार्किंग में लगी हुई है, ये देख सकते हैं पूरा मतलब भरी हुई है पार्किंग, बाइकें वगैरह भी कम हैं थोड़ी सी, तो वो मे भी हो सकता है या तो वो हटवा दी हैं दूसरे की पार्किंग वाली बाइकें जो, और मेरा एक दोस्त है जो बराबर वाले ऑफिस में है वो भी नहीं है, घर गया हुआ है,
उसकी भतीजी की शादी है तो उसकी अभी नहीं आ रही है। और भी कुछ होंगी, मैं आज बाइक गाड़ी सोच रहा था मौसम देख के कि बारिश का मौसम हो रहा है लेके चलता हूँ, बट फिर मैं गया नहीं कि मतलब जो है अब मैं कि थर्सडे फ्राइडे ले आऊँगा, अभी नहीं लेके जा रहा हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था आज, मतलब मेजर ट्रैफिक मेरे को मिला है, मोस्टली एक ही जगह मेरे को मिला था। तो ये है दोस्तों, बाकी की तो ठीक है, चलिए जैसा भी रहेगा आपको आगे मैं अपडेट कर दूँगा। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर, अभी मैं घर पे अपना पहुँच चुका हूँ और अभी जो टाइम हो रखा है वो 7:30 के आसपास हो रखा है। 7 बजे मैं आ गया था, फिर उसके बाद कहीं मार्केट में गया था, काम था मेरे को। और मैंने आज एक ऑनलाइन मतलब एक ऑर्डर किया था पीछे 2-3 दिन पहले क्रेड से, मेरा एक मल्टीपल एक वो आया है मतलब डेटा केबल मैंने मंगाया था जिसकी गाड़ी में यूसेज के लिए। तो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी की अनबॉक्सिंग की और प्राइजिंग की वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पर अलग से मिल जाएगी इस वीडियो से पहले, तो उसको आप जो है कंटिन्यू वीडियो को देख लेंगे तो पूरा उसमें मिल जाएगा कैसे आप उसको परचेज कर सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगी काफ़ी डिस्काउंट के बाद वो मेरे को मिलेगी। देख सकते हैं ये मैंने कुछ इस तरीके से मंगवाई है, इसमें 3 वो हैं अपनी जो है, यहां पे सिंगल आपको पॉइंट मिलेगा जो कि USB नॉर्मल USB मिलती है, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप एप्पल में भी लगा सकते हैं, और एक सी टाइप है, एक अपना एंड्रॉयड के लिए, ये अपना एंड्रॉयड के लिए है और ये अपना एप्पल के लिए हो जाता है एक ये वाला, और ये वाला आपको सी टाइप मिलता है जिसमें सी टाइप आता है। तो आप इसको 3 एक ही डेटा के बिल्कुल 3 फ़ोन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एप्पल था तो कोई दूसरा यूज नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने ये मंगा ली है। इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर आपको मिलेगा। कहाँ से मैंने मंगाई है एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, ये आपको लेफोर्टे लेविटेक से ये अपना साइड है, यहाँ से मैंने मंगाई है, और इनके जो प्रोडक्ट होते हैं कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट इनको मिलते हैं, इन्होंने एक यूजर मैनुअल दिया गया है, यहाँ से ये प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। इसमें मेरे को डिस्काउंट कूपन भी मिला है, वो भी मैं आपको एक बार शो करा देता हूँ। 300 रुपये का डिस्काउंट कूपन इन्होंने मेरे को दिया है नेक्स्ट परचेज के लिए, शॉपिंग के लिए, ये देख सकते हैं ये अपने वाउचर कोड हैं, और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो है ये अपना देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपने इनके अप्लाइंसेस होते हैं। और बाकी के कूलर मैंने दोस्तों इधर सेट कर दिया है, ये इसके पीछे एक विंडो है तो वो मैं ओपन कर देता हूँ नाइट में, और यहाँ पे अपना सेट कर दिया है, सो अपना यहाँ से कूलिंग हो जाती है, पूरा अपना बेड पे आ जाती है। सुबह के टाइम तो मेरे को बंद भी करना पड़ जाता है, पहले मैंने यहाँ लगाया था गेट के इधर, बट इधर थोड़ी सफोकेशन सी हो रही थी अंदर, तो यहाँ से हटा के यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसका एक जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो सिर्फ लाइट का पॉइंट है, तो लाइट भागने पे वो बंद हो जाता है। तो मैं सैटरडे क्या करूँगा, मेरे पास वायर पड़ी है तो मैं जैसे वो केबल अपनी आ रखी है इस तरीके से वहाँ लेके आऊँगा मैं उसको, सो दैट कि मैं वहाँ पर कनेक्ट कर दूँ इसको, फिर ये दिक्कत ही ना रहे, क्योंकि ये इन्वर्टर कम्फर्टेबल है ये कूलर जो, तो इन्वर्टर से भी अपना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अभी जो टाइम हो रखा है वो 10:15 बजे के आसपास का हो रखा है, हम घूम के आ गए हैं और आज हम जल्दी ही चले गए थे, खाना भी जल्दी हो गया था, 9 बजे के आसपास ही खाना हो गया था, और फिर अपना जो है दोस्त को मैंने फ़ोन कर दिया था, 9:20 तक वो आ गया था, तो हम उसके बाद ना आधा मतलब वही 2 किलोमीटर के आसपास चक्कर लगा के आए, फिर उसके बाद हम अपना जो है इधर आके फिर अपना 10 से 15 मिनट अपना पार्क में बैठे, 3 दोस्त हो गए थे और जस्ट अभी वो गए हैं, तो मैं अपना रुक गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मैं यहाँ पे पैर धो रहा हूँ, यहाँ पे टंकी लगी हुई है, थोड़ा सा वो रह जाता है कि ये धुलकी, फिर अपना बाहर का एक बार ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश नहीं हो रखी है, बसरते ये है, बाकी की मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और कूलर मैंने यहाँ लगा रखा है, ये जो विंडो है अपनी आप देख रहे होंगे खुली हुई, इसके जो है अंदर की साइड में, और बाहर का मैं व्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है, ये देख सकते हैं आप बाहर का जो है, हवा भी चल रही है बट कभी कभी चल रही है, कभी कभी बंद हो जा रही है, मतलब आपको ये है कि AC की ज़रूरत नहीं है, कूलर में ही आपका जो काम हो जाएगा। और तो बाकी की अपना ये है सारा ओवरव्यू, बाकी की मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था उसका आपको रिव्यू दे ही दिया है, और एक प्रोडक्ट और बुक किया है जो मेरे को कूपन मिले थे उससे मैंने, तो जब आएगा तब एक बार पूरा ओवरव्यू दे दूँगा क्या मंगाया, कैसे मंगाया है, कितने का पड़ा है, जो भी है। और ये इसकी जो MRP थी 499 के आसपास MRP थी जो मैंने डेटा केबल मंगाई है, और फाइनली मेरे को 140 रुपीज़ में ये फाइनल पड़ी है। जो दूसरा मैंने बनाया 200 मैंने वहाँ पे वाउचर यूज कर लिया, बाकी की मैंने जो पेमेंट है वो मैंने अलग से कर दी है, कितनी करी है कैसे करी है जैसा भी रहेगा मैं आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरीके की वीडियो मेरे इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों करते हैं इसी वीडियो को यहीं पे एंड, सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।